हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, तेज बारिश से गंगा नदी में भी उफान, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में अवरुद्ध बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोला गया, कल लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित हुआ था यातायात। उत्तराखंड के चंपावत में नेशनल हाईवे 9 हुआ बंद, भारी बारिश और स्वाला पहाड़ियों से लगातार गिर रहा मलबा बना कारण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भाटा धुरियान इलाके में भूस्खलन, यातायात हुआ प्रभावित, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। मुरादाबाद में भारी बारिश से किसानों को पहुंचा भारी नुकसान, गन्ने और धान की फसल हुई बर्बाद। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, संकट, तट पर बने लेटे हनुमान मंदिर में भी भरा पानी, निचले इलाके हुए जलमग्न। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल के मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर व्यापार मंडल का बाजार बंद, बाजारों में पसरा सन्नाटा, अवैध हिस्सा तोड़ने की मांग। सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर लाया गया, केरल सीएम पी विजयन समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली सीएम अरुण केजरीवाल आज हनुमान मंदिर जाएंगे, कनॉट प्लेस में स्थित मंदिर में दर्शन कर लेंगे बजरंगबली का आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की बधाई दी, लिखा सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। हिंदी दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हिंदी को राजभाषा होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम हर एक जयंती मनाने जा रहे हैं, ये वर्ष हिंदी दिवस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदी और स्थानीय भाषाओं को मिली मजबूती, टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम ताल कर रही हिंदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान। पोर्टवेयर का नाम बदले जाने पर बोले एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पोर्टवेयर का नाम बदलना गुलामी की निशानी को खत्म की दिशा में एक कदम है। हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका, वरिष्ठ नेता जयप्रकाश शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले जनता के किए वादों को पूरा करने में सरकार फेल, शर्मा ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरलवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी, कहा ओणम की धुन, आकर्षण और चमक को केरल के प्रेम, समानता और सद्भाव के संदेश के रूप में दुनिया भर में फैलाएं। प्याज निर्यात पर न्यूनतम शुल्क हटाने पर पीएम मोदी का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया आभार, कहा महाराष्ट्र के हजारों किसानों को होगा फायदा, किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी।